Here we are having a question. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is. तो क्वेश्चन बहुत आसान है. क्वेश्चन में हमारे पास एक वायर है और जो वायर का रेजिस्टेंस है वो बेसिकली R है. अब इसी सेम वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया, ब्रेक कर लिया गया. 1, 2, 3, 4 और 5 इस वायर को इन आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया. किस तरीके से, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. अगर हम इसे माने तो ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है. तब ये कह रहे हैं ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना इसका जो इक्विलेंट रेजिस्टेंस है वो आर डैश आया. तो इस आर और इस आर डैश का हमें रेशियो बताना है, आर ओवर आर डैश का. अच्छा देखो, अगर एक पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है और इसे 5 पार्ट में कट कर दे, तो देखो ये फॉर्मूला याद रखो तुम लोग, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ रेजिस्टर ओवर एरिया ऑफ वायर. अब देखो एरिया और रेजिस्टेंस तो इसमें हमने सेम रखा है, लेंथ को क्या कर दिया, 5 टाइम्स रिड्यूस कर दिया है. तो जो ये नया आर आया कट होने के बाद जो रेजिस्टेंस आया वो तो पुराने वाले रेजिस्टेंस का मतलब से आर डबल डैश मान लो, क्योंकि आर डैश ये लिया हुआ है इसलिए मैंने इसे आर डबल डैश मान लिया है. तो ये तो आर बाय 5 के बराबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आर बाय 5 के बराबर. क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम है, जो सिर्फ डिफरेंस आया वो किस पर आया, लेंथ पर आया. तो ये जो वायर है इसे भी कितना मान लो, आर बाय फाइव. और इस तरीके से 5 रेजिस्टेंस है जो आर बाय 5 के, इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर बाय फाइव प्लस 1 अपॉन आर बाय फाइव प्लस 1 अपॉन आर बाय फाइव 1 अपॉन आर बाय फाइव प्लस 1 अपॉन आर बाय फाइव. अब ये 5 चला जाएगा न्यूमरेटर से कहाँ, सॉरी डिनोमिनेटर से कहाँ, न्यूमरेटर में. तो 1 अपॉन आर डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर. ये भी हमारे पास आर होगा. अच्छा तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 25 बाय आर. और ये बात समझ में, अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई यहाँ से, आर इक्विवेलेंट की आर बाय 25. अब देखो आर ओवर आर डैश, तो आर की वैल्यू तो आ रही है और आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, आर बाय 25. तो ये R से R कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा. तो 25 इसका आंसर आ जाएगा. होपफुली समझ आया होगा. थैंक यू. जो कि डी ऑप्शन है.